कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे गणित के पेपर, आप लोग फाइनली आपको जो यहाँ पर गणित के पेपर वो आ चुका है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन सेट कराने वाले हैं। और साथ ही आपको इस वीडियो में पूरा पेपर यहाँ पर कराया जाएगा गणित विषय का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए पहले तो आपके आते हैं 6 नंबर की सही विकल्प, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान देखना है क्योंकि आपके जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहले आता 12 और 15 का SCF होगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसके आपके यहाँ पर ऑप्शन आता 3 और 12 आता 4, ठीक है। 7 और 10 और 2 आता 5, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, जो आपके यहाँ पर 12 और 15 का SCF रहेगा वो आपका यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है। पहले का आपका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर रेखिक रेखीय बहुपद AX+B का 0 होगा, तो आपका इसका ऑप्शन आता है A/B और 12 B/A और 7 B/A और 10 C/A। तो जो आपके यहाँ पर दिया रेखीय बहुपद A+B का 0, ठीक है, 0 होगा, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा -B/A। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका आता है द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या होगी 0 होगी 1 होगी 2 या 3। तो जो आपके यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या होगी, तो आपकी जो मूलों की संख्या होगी वो आपकी 2 होगी, ठीक है। तीसरे का आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है एक्स अक्ष से बिंदु पी 2-3 की दूरी है, तो आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर दूरी का सूत्र इसमें लगा देना, तो जो आपके यहाँ पर दूरी निकल के आएगी वो आपकी 3 निकल के आएगी, यानी आपका चौथे का रहेगा बा करेक्ट आंसर। अब आता आपका पांचवा, एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो आप यहाँ पर इसका ऑप्शन आता 30 डिग्री और 12 45 डिग्री और 7 60 डिग्री और 10 75 डिग्री। तो जो आपका पाँचवें का करेक्ट आंसर है, पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। आप 6वां आता त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री निम्नलिखित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका सही विकल्प आता है और साथ ही आप यहाँ पर दूसरा सही विकल्प आता है, तीसरा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। और साथ ही जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की जो आंसर बताएं उसी तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आता है एक समीकरण x-1 cos x, ठीक है, x+1 के मूल डॉट डॉट होंगे, तो जो आपके यहाँ पर मूल होंगे वो आपके होंगे 0 और -1, ठीक है। पहले का आपका क्या आंसर रहेगा, पहले का आंसर आपका रहेगा 0 और -1, ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है समीकरण 3x+2 2x+1/3 = 0 का विवक्ता है, दूसरे का उत्तर आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ विवक्ता रहेगा वो आपका 0 रहेगा, ठीक है। दूसरे आपका यहाँ पर रिक्त स्थान जो आपके यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान उसका आंसर भी आपका यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है। 0 आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है 9/7 का समांतर माध्य डॉट डॉट होगा, तो यहाँ पर जो 9/7 का समांतर माध्य होगा वो आपका 8 होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर 8 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका पांचवा आता है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, ठीक है। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, तो आपका यहाँ पर पांचवें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भुज, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पांचवें रिक्त स्थान का आंसर आपका यहाँ पर भुज हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां आता है, 6वां रिक्त स्थान आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर दोनों होती है, तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 6वें रिक्त स्थान का आंसर लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर रिक्त स्थान वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख लीजिए। अब आती है आपकी सही जोड़ी, तो हम यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना, जो आपकी पहले आती है AC2 = AB2 + BC2, इसको आपको मैच करना है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी आती है मूल बिंदु से XY की दूरी, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, √X2 + Y2, ये आपकी यहाँ पर दूसरी हो जाएगी। फिर आपकी तीसरी आती है sin 55° - cos 35°, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर 0 से, ये आपकी यहाँ पर तीसरी हो जाएगी।
फिर जो चौथी आती है वन प्लस कॉट टू थीटा, तो चौथी को मैच करना आपको यहाँ पर कॉसेक टू थीटा से, ये आपके यहाँ पर चौथी हो जाएगी ठीक है। और जो आपकी पाँचवीं आती है टेन 45 डिग्री, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर एक से ठीक है, आपको इसको एक से मैच कर देना। पाँचवीं जो छवीं यदि शंकु का आयतन, तो आपका हो जाएगा वन बट में थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ये आपकी यहाँ पर छवीं हो जाएगी। जो इस तरह जो आपकी सही जुड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है ठीक है। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है, और अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट आपके जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बहुत देख लीजिए ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक साथ वाक्य उत्तर, तो आपके यहाँ प्रश्न चार आता है, एक वाक्य उत्तर दीजिए। तो पहला आपका आता है ठीक है, चार जीरो माइनस चार का अगला पद क्या होगा, तो जो आपका इसका अगला पद होगा वो होगा आपका यहाँ पर ठीक है छत्तीस, माइनस छत्तीस आपका अगला पद होगा इसका ठीक है। पहले का आंसर आपका रहेगा माइनस छत्तीस, आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका माइनस छत्तीस हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। तीसरा था 14 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा आपका यहाँ पर 154 वर्ग सेंटीमीटर ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर आपका रहेगा 154 वर्ग सेंटीमीटर ठीक है। अब चलिए आपका चौथा आता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो जो आपका यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र रहेगा वो रहेगा आपका ठीक है 2 कोष्ठक एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल ठीक है, कोष्ठक बंद। इस तरह से आपका यहाँ पर घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है माध्यिका का सूत्र लिखिए, तो आप यहाँ माध्यिका सूत्र लिख ली देख लीजिए, आपके यहाँ पर माध्यिका का सूत्र है ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर छः माता किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है आपकी एक ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर इसके दबाव में होता है वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं ठीक है। ये आपके यहाँ पर इसके दबाव में होता है सॉल्यूशन है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए ठीक है। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी दिखते जाइए। अब आते हैं आपके सत्य असत ठीक है, तो हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला था प्रत्येक पूर्णांक प्राक संख्या होती है, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है ठीक है, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो द्विघात समीकरण है, तो जो दूसरा वो आपका असत रहेगा। फिर तीसरा आता है एक दो चार आठ समांतर श्रेणी है, तो जो आपका तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर चौथा आता है समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर वन बटे में दो कोण आधार कोण शीर्ष लंब होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा ठीक है, आपका चौथा यहाँ पर सत्य रहने वाला। फिर पाँचवा आता वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो पाँचवा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और छः माता किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है, तो छः में आपका असत्य हो जाएगा ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर सत्य वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर सत्य असत का सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब चलिए जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए ठीक है, तो यहाँ पर पहला यहाँ पर देख लीजिए दूसरा ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। आप चलिए आपको यहाँ प्रश्न आता छः 140 की आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए ठीक है। जो हम क्वेश्चन कराएंगे इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना पेपर से पहले, क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे। अथवा आता है एचसीएफ 306 और 697 बराबर आपका 9 दिया, तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। फिर आपका सातवां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर आता है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस ठीक है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, और फिर इसका अथवा देख लीजिए जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर आपका आठवां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर देते हैं द्विघात ठीक है द्विघात व्यंजक 3x2 प्लस 4x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जाँच कीजिए ठीक है। और इसका अथवा देख लीजिए सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना ठीक है। आप नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जो नौवां क्वेश्चन आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिनके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है ठीक है। और अब चलिए आपके इसका जो अथवा वो देख लेते हैं, तो आपके यहाँ पर नौवीं का अथवा देख लीजिए ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दसवां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देते हैं ये आपको बताना है ठीक है। दसवां क्वेश्चन देख लीजिए, फिर दसवें का अथवा आता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। फिर आपका यहाँ था आपका आता है ग्यारहवां क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं ठीक है। और फिर इसका अथवा था अथवा भी देख लीजिए। फिर आपका बारहवां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 18 पद ज्ञात करना है ठीक है, और इसका अथवा था 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। फिर आपका 13 प्रश्न आता है, 13 प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, और 14 प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है। अब चलिए आपको 14वें का जो अथवा वो देख लेते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब आपका 14वें का अथवा था एक्स अक्ष पर वाई बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है ठीक है। फिर आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है
और इसका अर्थ हुआ था जिसमें आप यहाँ पर देते हैं पी, ठीक है, पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। और साथ ही आपके यहाँ पर सोलह क्वेश्चन आता है, सोलह क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, सोलह का अर्थ देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेते चल रहा है, सत्रह क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और अब चलिए आपका यहाँ पर अठारह आता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाँच बिंदु से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आप यहाँ पर 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसका अर्थ आता है तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको उन्नीसवें क्वेश्चन आता है, किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए, अथवा देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका बीसवें क्वेश्चन आता है, बीसवें क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। और आपका यहाँ पर इक्कीसवें क्वेश्चन आता है, ठीक है, इक्कीसवें क्वेश्चन आप यहाँ पर दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, इक्कीसवें का अथवा, ठीक है। और जो हमने क्वेश्चन आपको बताए, इन क्वेश्चन को आपको पूरे यहाँ पर अच्छे तैयार कर लेना, ठीक है। अब चलिए आपका 22वां प्रश्न आता है, तो 22वां प्रश्न आप यहाँ पर थे, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। इसका आपके यहाँ पर डायग्राम यानी चित्र भी देख सकते हैं। और इसका अथवा आता है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों एक के बराबर है, ठीक है। फिर आपका 23वां प्रश्न आता है, 23वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और जो आपका 23वें का अथवा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर थे, आपका 23वें का अथवा है। और साथ इसका आप यहाँ पर दिए सारणी आपके यहाँ पर दिए, इसका आपको माध्य, ठीक है, माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। इस तरह से हमने पूरा आपका जो है यहाँ पर गणित के पेपर वो हमने कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। साथ ही आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक कि टेक केयर, बाय बाय।